मस्जिद में ईद की सेलिब्रेशन ख़त्म हो गई है, नमाज़ वगैरह हो गई, फिर सबसे ईद मिला और अब मैं जा रही हूँ अपने चाइनीज़ दोस्तों के साथ ईद का लंच करने। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी चाइनीज़ मुस्लिम ईद के दिन क्या खाते हैं यहाँ का टिपिकल लंच। छोटी ईद पे अपना लंच किया था, छोटी ईद पाकिस्तान में हम छोटी ईद बड़ी ईद कहते हैं ना, तो अभी भी वही आदत है। तो अब मैं दोबारा यहाँ आ गई हूँ क्योंकि इसका खाना बड़ा मज़े का लगा था। और होटल का टूर मैं नहीं करवा रही हूँ, अगर होटल का टूर करना है तो जो मेरी लास्ट वीडियो है पिछली ईद की वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर जाकर देख सकते हैं। जो आज का मैं लंच वगैरह करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि चाइनीज़ जो मुस्लिम्स हैं वो ईद के दिन कौन सा टिपिकल फूड खाते हैं। मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके ये चाय बनाते हैं, बिल्कुल अलग जायके की होती है और जिसमें ये रखी हुई है ये बहुत खूबसूरत सा जो है ये डिश है। इसमें टी लीफ दो तरह के यूज़ होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसके अलावा ये डेढ़ से चाइनीज़ ये कोची और ये मिस्री है येलो येलो और ये ड्राई लीची है। चाइनीज़ टी आ गई है, पापाव छा, पापाव टी होती है जिसमें 8 किस्म के जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं चाय के। और आज ये वाले कप है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, वो वाले कप ख़त्म हो चुके हैं तो इसमें डाल दिया है। ये मेरी चाइनीज टी है, पापा छा जिसको बोलते हैं, 8 इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है। ये इस वाले कपड़े में दिखाती हूँ कैसी दिख रही है। ये चाइनीज कैबेज है, सैलेड टाइप का बना हुआ है, अखरोट है। अच्छा, इसके अंदर अखरोट भी डले हुए हैं, व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, बहुत टेस्टी है। और मैंने टेस्ट किया और तेरा बहुत मजे से दिखाती हूं। मेरी दोस्त ने चाइनीज सलाद है लेकिन बहुत ज्यादा मजे का, इसमें शायद कोई सॉस डला हुआ है, कच्ची कैबेज और बॉयल्ड अखरोट और पूरे सॉस है, इसका जायका बहुत अच्छा है। कैबेज आ गया है, कैबेज भी थोड़ी थोड़ी चच्ची पक्की होती है, बड़ी मजे की होती है। ये जो पोटैटो है इनको टेस्ट करने लगे यार, ये वाला पोटैटो भी बड़ा मजे का होता है, पता नहीं बेक करते हैं या किस तरह बनाते हैं, अलग ही जायका होता है। सिंपल सिंपल जो चाइनीज सब्जियाँ होती है जो खाने में बहुत अच्छी होती है, अच्छे से बनाते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में खाई जाती है, इस तरह की बनी भी होती है, बहुत लाइट होती है। और अगर आम अगर सालन टाइप का बनाओ तो इससे ज्यादा सब्जी खाई नहीं जाती, इस तरीके से ज्यादा खाई जाती है और थोड़ी थोड़ी कच्ची पक्की होती है तो हजम भी जल्दी होती है। बड़े मज़े के स्पाइसेस में डलेगा, बहुत मज़े के एक है। खाने में करंट करंट फील हो रहा है। ये ब्लैक नूडल्स है, चाइना की स्पेशलिटी है, काले नूडल पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं देखे, तुम लो ना। ब्लैक नूडल्स Thank you.
लेके उठा कैसा ब्लैक नूडल्स टेस्ट करने लगी हूँ। वैसे तो पहले कई दफा खा चुकी हूँ, हर होटल का अच्छा जायका था। लास्ट सीट पे ही मैंने इसी होटल में लंच किया था और इसी सीट पे भी जायका बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा सा खट्टे हैं ये नूडल में, सिरका डाल देते हैं अच्छा नहीं लगता। ये नूडल है और मेरी दोस्त बता रही है ब्लैक नूडल की तरह ही इसका जायका है, लेकिन उसका ये है कि वो सूखा था और याप्सा इसको बोलते हैं, जो नूडल बॉयल करने के बाद उसको पकाते नहीं है, सिर्फ उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। बैंगन मैंने लिया है कैसे गोल गोल पीसेस में कटा हुआ है, मैं इसको ट्राई पहले से ये वाला नूडल टेस्ट करती हूँ। गाजर लिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा खट्टा है और कच्ची कच्ची सब्जियाँ है, मजे का है। अब ये जो बैंगन है इसको खाते हैं, बैंगन देखे इस तरह का तो बहुत ही मजे का है, थोड़ा सा सॉल्टी सॉल्टी और थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा टेस्ट है। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का जायका खा रही हूँ, चाइना में जायके बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा किसी दिन और बैंगन के बीच में लोगों ने शायद चिकन रख के फिर उसको कुक किया है, बीच में चिकन है तो बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। और का नाम भी बता देती हूँ डिश का, मैंने अपनी दोस्त से पूछा, करिए इसको थिए पान छिए से बोलते हैं, अगर आप चाइना में तो थिए पान छिए से जो है जरूर ट्राई करें, बहुत मजे का ये। थिए पान जिस माने के वो स्टील की प्लेट में कुक हो रहा है। और ये जो डिश है इसका नाम है नान पाव रो, नान पाव रो मतलब इसके नीचे रोटी नजर आ रही है, नान है और ऊपर इसके गोश्त है, तो ये भी एक डिफरेंट है चाइना की स्पेशलिटी। हमारे मुल्क में तो रोटी के ऊपर इस तरह से गोश्त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पूरा खा लो, एक पूरा नान, बस ज्यादा नहीं डाल, ये बहुत बड़ा लाल है, छोटा पीस डाल दो, बहुत बड़ा नान बस कम डालो और एक बूंदी डालो। ये मैंने अपना जो है ले लिया है नान और गोश्त जो है इसके साथ है, ये नान है और ये ऊपर इसके बोटी है, इसको खा के देखते हैं। तो है मैं नान पाव रो टेस्ट करने लगी हूँ, नान पाव रो को इंग्लिश में बोलेंगे मेरे ख्याल से नान विद बीफ, ये नान को नान ही बोलते हैं चाइनीज भी। ये रहा ये नान है, पूरा फुल स्पाइसिस से भरा हुआ है, ऑयल टपक रहा है, देखे रेड रेड सा। पहले नान को खाते बिस्मिल्ला, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है ये नान और इसके साथ जो बोटी है बोटी को खाते हैं। ये मेरा फेवरेट गोश है, चर्बी के साथ बोटी में चर्बी वाला गोश्त बहुत पसंद है। ये भी एक डिफरेंट डिश है, अगर चाइना में तो नान पाव रो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ डिशेज शेयर करती रहती हूँ ताकि अगर आप चाइना में नए आए हैं, बहुत यहाँ डिशेज बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बनाने होता है, जो मजे के स्पेशल चीज़ें वो सिर्फ शेयर करती हूँ। ट्राई ये चाइनीज बन है पाउजी जिसे बोलते हैं, इसकी बहुत सारी किस्म होती है, देख लिया जो है ये गाजर की फिली वाला है, थोड़े निकल रहे हैं इसमें गोश्त और गाजर की फिली मिल रही है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, ना स्पाइसी है ना ज्यादा जो है ये सॉल्टी है, बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट है और खाने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट और मजेदार है। नूडल्स और चिकन है, Thank you.
तापंची नूडल और चिकन डाल दिया। जो तापंची है, तापंची जो है चाइना में बहुत कॉमन डिश है। जिस तरह मैंने वो नान में बीफ और जो बैंगन है वो बताया, वो कॉमन डिश नहीं है, बड़े होटलों में सिर्फ होती है। लेकिन तापंची ऐसी डिश है जो आम जो छोटे होटल होते हैं जो तो एक्सपेंसिव नहीं होते, हमें तो ईजीली मिल जाती है। और बहुत ज़्यादा ये चाइना में गेस्ट वगैरह को जो इन्वाइट करते हैं तो लाजमी होती है ये डिश। अरे गिर गया, स्लिप बहुत हो रहा है इसका नूडल, सही से इसको होल्ड कर लो थोड़ा सा। और इसमें चिकन होता है और नॉर्मल सा बेस्ट होता है, तापंची ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और बाद में इसमें आलू शिमला मिर्च भी डालते हैं। ये सूप विथ नूडल्स है और ये काफ़ी खट्टा होता है। पहले ही मैंने इसको ट्राई किया है, मैं तो इतना खट्टा नहीं खा सकती। देखो इसमें नीचे नूडल्स डले हुए हैं। ये वाले जो नूडल्स हैं सूप नूडल, उमर टेस्ट करके बताया खट्टे हैं। मैंने पीऊंगी, कैसा है उमर? खट्टा पसंद होता है ना, हमें तो इतना मजे का नहीं लगता। मैं इसको खा ही नहीं रही हूँ, तो खट्टा खा के तबीयत खराब हो जाती है। लास्ट डिश मैं टेस्ट करने लगी हूँ जो रोटी है, हाथ से उठा के टेस्ट करते हैं। चाइनीज तो चॉपस्टिक से उठाते हैं। ये रोटी है बहुत कड़क कड़क सी है और शो सी पिंग, थोड़ी क्रिस्पी है लेकिन टेस्ट आम सा इतनी मजे की लग रही है। और ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे इसमें, मेरे ख्याल से डीप फ्राई हुई है। जो चाइना में आपसे जो रोटी बनाते हैं ना, तो हमारे जैसे बगल घी के या बगल तेल की रोटी बनाने नहीं आती है, या तो उसमें ये लोग सोडा वगैरह डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, या इस तरह तेल में बनाते हैं। रोटी इतनी अच्छी नहीं बनाते चाइनीज। मैं अपना ईद का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने मस्जिद में जो थोड़ी सी सेलिब्रेशन थी वो भी शेयर की, और जो चाइनीज टिपिकल ईद के दिन फूड खाते हैं वो शेयर किया। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करके अपनी राय दिया करें। आप लोग ईद के दिन कौन सी ऐसी स्पेशल डिश है जो खाना पसंद करते हैं? मैं तो जब से चाइना आई हूँ तो हर ईद पर मैं चाइनीज़ फूड ही खाती हूँ, या फिर टिपिकल डिशेज खाती हूँ। पाकिस्तानी फूड में ईद पर नहीं खाती। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करें। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।